हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया गया द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ C4H9Br इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कितना आइसोमर्स है, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि इसके आइसोमर्स को पहले लिखते हैं। तो इसका आइसोमर्स क्या क्या हो सकता है, C4H9 है ना और बी आर है, तो ये एक नॉर्मली लिखा सकता है CH3 CH2 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 बी आर, तो ये हो जाएगा 3 2 5 2 7 2 9, और यहाँ पे कार्बन हो गया 4, हाइड्रोजन हो गया 9 और बी आर। ये एक नॉर्मल ब्यूटेन के साथ ये लिखा सकता है। इसके अलावा कहीं पर ये ऐसे भी हो सकता है CH3 CH CH2 CH3 एंड बी आर, ये भी इसके हो सकते हैं। इसके अलावा ब्रोमीन अलग अलग प्लेस पे भी जा सकता है, तो वो प्लेस चेंज कर सकता है, या फर्स्ट प्लेस पे सेकंड प्लेस पे आ सकता है, कभी थर्ड प्लेस पे आ सकता है। लेकिन मैं कार्बन से रिलेटेड मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो कार्बन में अगर पोजीशन चेंज होगा तो 3 कार्बन का ही चेन बना सकता है, या फिर तीसरा जो ब्रोमीन का अगर प्लेस चेंज होगा तो वो कैसा होगा, CH2 CH2। अभी ब्रोमीन जो है फर्स्ट पोजीशन पे था, यहाँ पे अगर सेकंड पोजीशन पे लाते हैं तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये स्टार लगा रहता है, इसका मतलब ये है कि ये चिरल कार्बन है, चिरल कार्बन इसका मतलब यही है। तो ऑप्टिकली अगर एक्टिव के बारे में बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है द नंबर ऑफ ऑप्टिवली एक्टिव स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो वो सिर्फ एक ही है, वन। इसका आंसर हो जाएगा वन। ओके, बस इसका और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर ये किसी का कंफ्यूजन है कि ब्रोमीन अगर इस पोजीशन पर रहता तो क्या होता, तो कुछ भी नहीं होता, सेम कंडीशन होता, ये जो स्टार होता है इस पे होता और नंबरिंग इस तरह से होता, इसी के इक्विवेलेंट है CH3 CH CH2 CH3, ये इसी के सेम इक्विवेलेंट है। अगर यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाता है तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस नंबरिंग हम लोग यहाँ पर इस तरफ से कर रहे हैं और यहाँ पे इस तरफ से कर रहे हैं, बाकी कोई चीज है नहीं। तो इसका ऑप्टिकली एक्टिव एक्टिव स्ट्रक्चर ऐसा मिलने में जो होगा वो सिर्फ एक होगा, तो इसका आंसर होगा वन। दैट्स ऑल, थैंक यू।